हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दो चीज़ों की। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता रहेगा, लोकल स्टोर्स पे भी इजीली मिल जाते हैं, बट आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन बिकॉज मुझे बाहर जाना नहीं था। एंड दिस इज़ द MI इन्फ्लेटर विच हैज़ बीन एडवर्टाइज रिसेंटली हैविली, एंड मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी गॉट इट। मेनी फेमस राइडर्स, आई मीन लॉन्ग टर्म राइडर्स एंड यूट्यूबर्स हैव ऑलरेडी रिव्यूड इट, बट एंड सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट वन एंड रिव्यू वन बिकॉज एक इन्फ्लेटर ऑलरेडी है मेरे पास विच इज़ रेस्यूटेक, विच इज़ वर्किंग रियली रियली फाइन एंड विच इज़ रियली हैंडी। उस इन्फ्लेटर का मैं टायर इन्फ्लेटर का जो यूज़ किया है मैंने, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, सो आप वो ज़रूर चेक करना। सो वो इस दोनों के बीच में भी मैं फ्यूचर में कंपेरिजन करूँगा जब चांस मिलेगा। तो अभी तो मेरे को एक ही टायर फिक्स करना है विच इज़ ऑफ माई डैड्स कार विच हैज़ अ पंक्चर, सो आई बी डूइंग पंक्चर एंड आई बी इन्फ्लेटिंग विद दिस वन। दैट विल बी अ सेकेंड वीडियो, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल अपडेट फ्रॉम मी। सो मेरी एक्सप्लोरर पूरी रेडी है विद द पैनियर्स एंड ऑल। आज डेट है 20th September एंड आई हैव टू लीव फॉर गुजरात ऑन 19th September, बट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इशूज मेरे को कैंसिल करना पड़ा, इसलिए मेरे बाकी कार्स वगैरह बाकी मतलब मेरी TRK एंड ये रॉयल इनफील्ड का कवर है, मैंने नानापेट जैन ऑटो से ख़रीदा था। इट इज़ रियली रियली नाइस एंड थिक, लोगों ने बहुत बार पूछा है। डबल लेयर्ड है, पानी अंदर जाता नहीं है एंड वर्क्स इन ऑल सीजन्स। एंड दूसरा, ये मेरा इको स्पोर्ट भी इज ऑलमोस्ट सोल्ड, सो आई हैव कवर्ड इट एंड केप्ट सो दैट नो फर्दर डैमेजेस हैपन ऑन अर्थ। सो अनबॉक्सिंग यहीं करेंगे, लेट्स बिगिन। सो ये MI के साथ बहुत ही काफ़ी छोटा है, इट इज़ एज स्मॉल एज द रेस्क्यूटेक का इन्फ्लेटर, इट्स जस्ट दैट इट्स लॉन्ग। ऑफकोर्स कंपेरिजन जब वीडियो करूँगा तब आप देख लोगे। एंड वी गॉट टू अटैचमेंट्स, वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। विद दिस यू कैन इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ऑल, एंड दिस यू कैन इन्फ्लेट साइकिल्स एंड ऑल। एंड जो बाई डिफॉल्ट आएगा, आई एम नॉट एबल टू ओपन इट राइट नाउ, आई हैव टू लुक हाउ टू ओपन इट। एंड इसका बैटरी भी डाउन है, सो आई विल चार्ज इट अ बिट। सो ये दो चीज़ें साथ में आई है एंड एक छोटा सा चार्जिंग केबल आया है एंड ये एक पाउच आया है टू टेक इट अलॉन्ग वेर एवर यू वॉन्ट टू, मतलब सेफली कैरी कर सकते हो इसमें। एंड एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ओके। एंड बात करते हैं सेकेंड पार्ट की जो हमने अनबॉक्स किया, तो ये है पंक्चर किट। आई थिंक ये 300 रुपये में मैंने अमेजोन से लिया है। सो इट इज़ गॉट दिस वन टूल विथ विच यू कैन मेक द होल स्लाइटली बिगर। सेकेंड इज द इंसर्शन टूल, दिस वन, ये मैं ओपन करके फिर से बताऊंगा जब मैं यूज करूंगा। एंड 5 स्ट्रिप फ्री है, 5 स्ट्रिप उनकी ओरिजिनल वाली है। एंड देर इज अ कटर अलॉन्ग विथ इट विथ विच यू कैन कट द एक्सेस ऑफ द पंक्चर स्ट्रिप्स एंड अ स्मॉल प्लायर विथ विच यू कैन पुल द नेल और समथिंग दैट इज गॉट स्टक इन साइड। एंड दिस इज अ पेस्ट दैट यू कैन अप्लाई अलॉन्ग विथ दिस पंक्चर स्ट्रिप्स सो दैट इट होल्ड्स रियली वेल। सो ये साइकिल वाले की दुकान पे भी मिल जाता है, ये पूरा सेटअप मिल जाएगा आपको लोकली भी। सो गाइज, अभी अनबॉक्सिंग तो हो गया, आपको मैं एक्चुअल फीचर्स ये चार्ज नहीं था उस दिन, अभी मैंने फुल चार्ज किया है एंड हवा भर भी रही है। सो आई विल शो यू हाउ द कंप्रेसर इज एक्चुअली, वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब ये जो पंक्चर किट है उसमें से मैंने ये प्लायर लिया है विद द हेल्प ऑफ विच आई एम गोइंग टू रिमूव दिस नेल। ये जो नील दिख रहा है मेरे डैड के कार का टायर है, ये एस्पायर का। इस टायर्स को हमने नया ही बिठाए थे, इट्स लाइक 2 or 3 months ओल्ड टायर्स। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस प्लायर, अगर ये प्लायर नहीं रहता तो यू हैव टू यूज अ स्क्रू ड्राइवर वगैरह। सो दिस इज द स्क्रू दैट इज गॉन इन साइड और वो यूज हो के स्क्रू भी फ्लैट हो गया है, देखो। So always make sure that you keep checking your tires when you wash your car and all, so that it doesn't damage. अगर इसका head साफ हो जाता था पूरा तो ये screw निकालना बहुत difficult होता था। So next I'll prepare this kit, में से मैं ये prepare करूँगा and then plug करूँगा, वो कैसे plug करना है कैसे fix करना है वो दिखाऊँगा। एक strip, I've taken one strip
and I'm putting into the insertion tool. It is slightly difficult because it is very sticky and all, but you can use all the possible tools that you have along with it and insert with that. एक्चुअल पंक्चर फिक्स करना बहुत ईजी है, उसके पहले ये प्रिपरेशन करना इज लिटिल कम्बरसम और टीडियस टास्क है थोड़ा सा. ओके, ये एक बार पूरा इंसर्ट हो जाए, सेंटर में आ जाए, उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे. सो सबसे पहला अभी यू हैव टू टेक दिस टूल विच इज पॉइंटेड, एंड इससे आपको होल थोड़ा सा बड़ा करना है, क्लियर करना है. अब मेरे बाइक में हवा पूरी निकल चुकी है. Then insert this paste a bit. थोड़ा सा paste insert करना है. So this will hold everything in its place really nice and well. This paste is really stinky. Trust me, you don't want to touch it or anything. उसके बाद ये जो है tool, इससे आपको यहाँ पे अंदर इंसर्ट करना है. ये इट्स क्वाइट थिक, ये ऐसे इंसर्ट हो जाना चाहिए, एंड देन यू जस्ट हैव टू पुल इट बैक विथ फोर्स. तो ये हाथ में आ जाएगा और अंदर आपका जो मेन पंक्चर का जो स्ट्रिप था दैट विल स्टे इनसाइड. अब आपको सिर्फ इसमें हवा भरना है एंड चेक करना है कि लीक नहीं हो रहा. सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द रेस्क्यू टेक, सॉरी नॉट रेस्क्यू टेक, द MI का कंप्रेसर. मैंने इसको चार्ज करके वापस अंदर ऐसे ही रख दिया था, केप्ट इट एज इट इज. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अनप्लग दिस एंड योर पंप विल स्टार्ट, एंड देन जस्ट पुट इट ऑन द नॉजल. ओके, लॉक कर दो नॉजल पे एंड जस्ट रेज योर टेम्परेचर टिल व्हाट यू वांट, यू कीप योर PSI टिल देयर एंड देन जस्ट प्रेस एंड इट विल स्टार्ट फिलिंग. अभी मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, बीच बीच में मैं लिफ्ट लेते रहूंगा. इट्स टेकिंग क्वाइट क्वाइट लॉन्ग टू फिल द एयर. अभी 5 PSI पे स्टेबल हुआ है, 5 PSI, अभी 6 पे आया एंड आई थिंक बैटरी इज गोइंग डेड. आई एम नॉट श्योर इफ द बैटरी हैज ड्रेन्ड एंड फिर डेड हुआ है, बट लेट्स सी कितने देर चलता है. तकरीबन 2 मिनट के आसपास हो गए हैं एंड इट इज नाउ एट 11 PSI. अनदर मिनट हैज पास, इट इज 4:08 नाउ एंड इट इज 16 PSI. टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स हो गए, 4:10 हो गए एंड 21 PSI पे पहुंच गया. अभी 23 PS हुआ है, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर एंड आई एम गोइंग टू सेट द टेम्परेचर, सेट द PSI एज 30 टू चेक ये 30 पे ऑटो स्टॉप होता है कि नहीं. भरना है मेरे को 32 PSI, मैंने जस्ट कार पे चेक किया. सो लेट्स सी इफ इट स्टॉप्स एट 30 PSI एंड अभी 7 मिनट के आसपास हो गए हैं. एक टिप देनी थी आपको, इसको अगर आप नीचे नहीं रखते हैं, हाथ में पकड़ते हैं तो इट वाइब्रेट लेस एंड मेक्स लेस नॉइस. जैसे ही इसको नीचे रख दोगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं एंड इट डज गेट हॉट फ्रॉम द बॉटम साइड. ये जो इसका पीछे का पार्ट है वो गर्म हो रहा है, बाकी सब जगह ठंडा पड़ा है. सो आइडली आई थिंक यू शुड होल्ड इट इन हैंड सो दैट नीचे से एयर तो सक नहीं करता, इस साइड से एयर सक करता है और इस साइड से कर रहा है और नीचे से थोड़ा एयर बाहर पुश कर रहा है. आई थिंक एक्सेस एयर इज बीइंग पुश्ड आउट, सो आई थिंक यू शुड होल्ड इट इन हैंड. वी हैव रीच्ड 29 एंड टाइम हुआ है 4:14, तो ऑलमोस्ट लाइक 8 मिनट्स के आसपास, 8 या 9 मिनट्स हो गए हैं. तो आई थिंक इट शुड स्टॉप ऑटोमेटिकली एट 30 अगर मैंने सेटिंग सही की है. तो हो गया 30, स्टॉप नहीं हुआ. 31 पे स्टॉप हो रहा है क्या?
सॉरी ये वाला पार्ट काफ़ी लंबा हो रहा है, बट वी नीड टू टेस्ट दिस प्रॉपरली। अगर रुक गया मतलब मैंने सेटिंग सही की है, अगर नहीं किया तो सेटिंग मैंने गलत की है। वैसे 27, 28, 29 पे काफ़ी टाइम लगा था इसको, 30 पे भी टाइम लग रहा है। और ये रुक गया खुद ब खुद 31 पे, मैंने स्टॉप नहीं किया कुछ, इसको मैन्युअली ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया जैसे ही 1 PSI ऊपर गया। सो दिस इज वेरी 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 गुड फीचर, आई लव दिस पार्ट। अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आप PSI टेस्ट सेट कर दो, यू सेट द PSI एंड देन इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। सो लवली फीचर, बिग थम्स अप फॉर दिस पार्ट। नाउ आई एम लीविंग इट टू 32 अगेन सो दैट इट इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड देन आई कैन पुट इट बैक इन द डिक्की। So the current rear tire which is on the car is at 26. I'm going to top this up also. It's filling and I think battery is completely going to go dead because ये light काफी blink कर रहा है यहाँ पे battery का। So maybe मैंने full चार्ज नहीं किया था, आई हैड आई थिंक चार्ज टिल द टाइम इट स्टार्टेड एक घंटे बाद एंड देन आई थिंक 2 घंटे रख दिया था चार्जिंग को। मैं मैनुअल में चेक कर लूँगा कि कितने देर फुल टाइम चार्ज होता है। दिस वन शुड स्टॉप एनी टाइम सून नाउ, इट इज ऑल्सो 32। एंड इट स्टॉप्ड, बहुत शांति होती है स्टॉप होने के बाद। सो इफ द टायर इज ऑन द कार इट सेल्फ टू, मतलब वो अभी वो टायर तो बाहर था, उस पर कुछ प्रेशर नहीं था और अनदर कार और समथिंग लाइक दैट, आई मीन इट वॉज नॉट इंस्टॉल ऑन द कार, सो देर वॉज नो लोड ऑन इट, तो उस पर तो फटाफट ऑब्वियसली भर जाएगा। बट दिस कार, दिस टायर हैड कम्प्लीट लोड ऑफ द कार ऑन इट, देर इज नो जैक और एनीथिंग एट द बॉटम, यू कैन सी कुछ नहीं है, ओके डायरेक्ट लगा हुआ है। सो इट वर्कड ऑन दिस वन टू, so I give a real thumbs up to this product, it's really really nice, especially for you know elders of your house and all family members ke liye, ladies ke liye, those who don't know much about you know how to fill, how to check air and all this stuff, to unko aap agar ye ek bar set karke de denge ye kaise lagana hai, sirf ye plug karne aana chahiye aur yahan pe temperature set karke de do and ye button press karna hai, that's it and it will do the job on its own. So a very very good product, I would recommend it. Only thing is, I hope, I wish it was made in India. Obviously, nowadays you expect that a lot. So I give a thumbs up to all this product. आपको इन दोनों products के बारे में अगर कुछ सवाल हो, questions हो, तो do let me know and I'll try to answer them at the earliest. Link video के description में मिल जाएंगे आपको. You can purchase from Amazon and MI का website. And yeah, that's it. Do subscribe to my channel and hit the bell icon for all updates from me. Thanks for watching. This is Dipen from Pune.